सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हमने समुच्चय क्या होता है उसकी परिभाषा हमने पढ़ ली, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, विभिन्न प्रकार के समुच्चय, समुच्चय के प्रकार हमने पढ़ लिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है उपसमुच्चय, कि उपसमुच्चय क्या होता है। आगे बात सुन, तो देखिए जैसे हम दो समुच्चय लेते हैं, समुच्चय ए, आगे बात सुन, एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समूह, या हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी। आगे बात सुन, तो देखिए इस समुच्चय में क्या आ जाएंगे, जो भी हमारा विद्यालय, मतलब जो भी हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं। आगे बात सुन, तो समुच्चय ए एक्स, जहाँ एक्स हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समूह है, यानी कि इस समुच्चय में विद्यालय के सारे विद्यार्थी आ जाते हैं। और एक समुच्चय लेते हैं हम बी एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स हमारे विद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी। आगे बात सुन, और ये दूसरा समुच्चय हमने बी लिया, ये क्या है, हमारे विद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी। अब ध्यान से देखना, समुच्चय ए में विद्यालय के सारे विद्यार्थी आ जाते हैं, यानी कि इसमें विज्ञान संकाय के भी आ जाएंगे, आर्ट्स के भी आ जाएंगे, दसवीं नवीं जितनी भी क्लासें हैं सब के विद्यार्थी आ जाएंगे। लेकिन ये जो समुच्चय बी है इसमें केवल क्या, हमने क्या कहा कि सिर्फ विज्ञान संकाय के विद्यार्थी, यानी कि जो विज्ञान संकाय में पढ़ते हैं, जिनके साइंस है, केवल वो विद्यार्थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में भी है, क्योंकि समुच्चय बी विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों का समूह है और समुच्चय ए पूरे विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनका समूह है। तो पूरे विद्यालय के समूह में तो विज्ञान के भी आ जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी है सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुच्चय बी में जो भी अवयव है वो क्या है, समुच्चय ए में भी है। आगे बात, तो ये जो समुच्चय बी है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा। तो परिभाषा क्या है देखिए इसकी, यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तथा यदि बी का प्रत्येक अवयव, यदि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते, यदि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, यदि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय बी जो है, समुच्चय ए का, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बी का प्रत्येक अवयव अगर ए में है तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है। आगे बात, अब इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे। तो देखिए समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या है, उपसमुच्चय है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, बी ये वाला चिन्ह, आगे बात, बी इसको पढ़ेंगे, बी कंटेन इन ए, बी कंटेन इन, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, कंटेन इन, यानी कि बी समाहित है किसमें, ए में, यानी कि बी उपसमुच्चय है ए का। तो ये वाला चिन्ह से इसको व्यक्त करेंगे, बी कंटेन इन ए। आगे बात सुन, इसको पढ़ेंगे कैसे, बी उपसमुच्चय है ए का, बी उपसमुच्चय है ए का। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, बी कंटेन इन ए। आगे बात समझ, क्लियर है, यदि बी का एक भी अवयव समुच्चय ए में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, नहीं है के लिए हम क्या कहेंगे, बी नॉट कंटेन इन ए, बी नॉट कंटेन इन ए, यानी कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो ये वाला चिन्ह आपको ध्यान रखना है, ये वाला चिन्ह किसके लिए है, उपसमुच्चय के लिए।
ये वाला चिन्ह किसके लिए है? उप समुच्चय के लिए। तो अगर समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है तो हम कहेंगे कि बी उप समुच्चय है ए का, और इसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, बी कंटेन इन ए। आगे बात समझ, या इसको पढ़ेंगे बी उप समुच्चय है ए का। क्लियर है? तो देखिए जैसे कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब देखिए आपको पता है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का समुच्चय 1, 2, 3, 4... उसके बाद में होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं जिसमें जीरो और आप ऐड कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, ये होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद में पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक में कौन कौन से आ जाते हैं? -3, -2, -1 और इधर इन्फानेट, 0, 1, 2, 3 और इधर इन्फानेट। आगे बात, और फिर क्या आ जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से व्यक्त करते हैं, ये होता है x, जहाँ x क्या है? p/q, और q क्या नहीं होना चाहिए? q नॉट इज इक्वल टू 0, और p और q दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं? पूर्णांक में से। p और q दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं? पूर्णांक में। अब ध्यान देना, देखिए अब आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से अवयव है, 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से अवयव है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अब देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या का प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्या में भी है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 सारा के सारे है कि नहीं? प्राकृत संख्या में जितने भी अवयव है वो सारे के सारे पूर्ण संख्याओं में भी है। इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय है किसका? पूर्ण संख्याओं का। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर, नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय है पूर्ण संख्याओं का। क्लियर है? अब देखिए आप यहाँ से देखिए, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी किस में आ रही है? पूर्णांक संख्याओं में भी आ रही है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, यानी जितने भी अंक है माइनस इन्फानेट से लेके प्लस इन्फानेट, ये सारे के सारे अंक आ जाते हैं किसमें? पूर्णांक समुच्चय में। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 तो यहाँ से ये सारे के सारे अवयव देखिए किसके हैं? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय इसमें भी है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय किसका उप समुच्चय है? पूर्णांक संख्याओं का। तो ये होल नंबर किस में कंटेन होंगे? जेड में। आगे बात में, अब आपको पता है कि सारे के सारे अंक भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या भी होते हैं, क्योंकि आप देखिए -2 है, -2 को आप p/q के रूप में ले सकते हो, -1 कर दीजिए, -3 को आप -1 कर दीजिए। तो ये सारे के सारे पूर्णांक भी है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या भी है। तो जो ये जो समुच्चय है पूर्णांक संख्याओं का, ये किसका उप समुच्चय हो जाएगा? परिमेय संख्याओं का। ये कंटेन इन किस में? क्यू, रेशनल नंबर। आगे बात समझ, क्लियर है? तो अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ये नेचुरल नंबर इसका भी उपसमुच्चय, क्योंकि नेचुरल नंबर इसका उपसमुच्चय, तो नेचुरल नंबर इसका भी उपसमुच्चय होगा। देखिए आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, तो ये नेचुरल नंबर का जो समुच्चय है वो इसका भी उपसमुच्चय, इसका भी उपसमुच्चय और इसका भी उपसमुच्चय। आगे बात सुनो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का भी उपसमुच्चय और परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय, और ये जो जेड है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये परिमेय संख्याओं का भी समुच्चय है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है कि ए और बी, ये संख्याओं का नॉलेज आपको होना चाहिए सारा का सारा। आगे बात, और इसके बाद में कौन सी संख्या आती है? ए प्रीमेय संख्या। ए प्रीमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको आप किस रूप में? p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ए प्रीमेय संख्याओं को जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी क्या होती है? ए प्रीमेय संख्या। और ए प्रीमेय संख्याओं का समुच्चय और परिमेय संख्याओं का समुच्चय दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, क्योंकि ए प्रीमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकती और परिमेय ए प्रीमेय नहीं हो सकती। आगे बात सुन, और उसके बाद में आती है वास्तविक संख्याएं। तो ये जो सारी की सारी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी की सारी किसमें आती है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आती है। आगे बात, तो उपसमुच्चय, उपसमुच्चय की परिभाषा क्या हो गई? उपसमुच्चय की परिभाषा हो गई कि ए और बी अगर दो समुच्चय है, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो हम कहेंगे कि बी ए का उपसमुच्चय है। आगे बात, अब ध्यान देना, अब मान लेते हैं आपके पास में कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए है। आगे बात सुन, क्लियर है? तो समुच्चय ए है आपके पास में, जिसमें कुछ भी अवयव, जैसे मान लीजिए ये ए ई आई ओ यू। आगे बात, अब देखिए एक हमने परिभाषा पढ़ी थी रिक्त समुच्चय की, किसकी? रिक्त समुच्चय,
रिक्त समुच्चय की हमने परिभाषा पढ़ी थी। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय, जिसको कि हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं, यानी फाई एक समुच्चय है, फाई एक समुच्चय, लेकिन इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। तो ये जो फाई है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि आप कोई भी समुच्चय ले लीजिए, उसका एक उपसमुच्चय तो रिक्त समुच्चय होगा ही होगा। यानी कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। आगे बात, अगर आपने ए कोई समुच्चय लिया है तो इसका एक उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय जरूर होगा। रिक्त समुच्चय कंटेन इन ए। आगे बात समझ, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आगे बात समझ। अब दूसरी बात, अब देखिए, ये हमने समुच्चय ए लिया, आगे बात समझ, तो समुच्चय ए में क्या अवयव है? ए ई आई ओ यू। आगे बात, तो ये समुच्चय, इस ये जो समुच्चय ए है, ये अपने स्वयं का उपसमुच्चय होगा। यानी कि ए कंटेन इन ए, ए कंटेन इन ए, यानी कि जो समुच्चय ए है वो खुद भी अपने समुच्चय का क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। आप चेक करके देख लीजिए, आपने ये समुच्चय ए लिया, ए ई आई ओ यू, ये भी समुच्चय ए ही है, ये भी समुच्चय ए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो समुच्चय ए है, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में, यानी कि समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव वो स्वयं अपने में तो होता ही होता है। आगे बात, तो एक ये समुच्चय कौन सा? ए। ए समुच्चय अपने स्वयं समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो दो तो फिक्स है, एक तो रिक्त समुच्चय और एक समुच्चय खुद, ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपने समुच्चय के क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। खाली समुच्चय और समुच्चय खुद अपने समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। आगे बात, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और एक समुच्चय खुद, ये दोनों ही अपने समुच्चय के क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। दोनों ही अपने समुच्चय के क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। खाली समुच्चय भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, और समुच्चय ए भी समुच्चय ए का क्या होगा? उपसमुच्चय, क्योंकि समुच्चय ए में जितने भी हुए वो समुच्चय ए में भी है। तो ये अपने ही समुच्चय का क्या हो जाएगा? ये उपसमुच्चय हो जाएगा। तो दो कौन कौन से? एक तो रिक्त समुच्चय और एक समुच्चय खुद, ये दोनों आपस में समुच्चय ए के क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। क्लियर है? और उपसमुच्चय को व्यक्त करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, ये वाला चिन्ह कंटेन इन। आगे बात समझ, क्लियर है? अब देखिए, जैसे बी उपसमुच्चय ए का, तो हम क्या लिखेंगे? बी कंटेन इन ए, बी कंटेन इन ए। आगे अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए कंटेन बी। अब देखिए, इस चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? कंटेन इन, यानी कि बी कंटेन इन ए, यानी कि बी उपसमुच्चय है ए का, बी उपसमुच्चय है ए का। आगे बात समझ, क्लियर है? यानी कि बी ए में है। अब देखिए, ये चीज और ये चीज सेम ही है, ये चीज और ये चीज सेम ही है। देखिए, हमने चिन्ह को ऐसे करके लिख दिया। आगे बात, तो भी यहां पे देख सकते हैं बी कंटेन इन ए, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? ए कंटेन, यहां पे हमने क्या पढ़ा? बी कंटेन इन, यानी बी ए में है। और यहां पे हम क्या करेंगे? ए कंटेन बी, यानी ए बी को समाहित करता है। आगे बात समझे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए बी को समाहित करता है, आगे बात, ए कंटेन बी, यानी कि ए बी को अपने में समाहित करता है, यानी कि बी उपसमुच्चय, ये सेम ही चीज है, बी उपसमुच्चय है ए का। आगे बात सुन, इसको पढ़ेंगे बी कंटेन इन ए, इसको पढ़ेंगे ए कंटेन बी, यानी ए बी को समाहित करता है। दोनों चीज सेम ही चीज है, ये चीज और ये चीज क्या? सेम ही है। यानी कि यहाँ पे है क्या कि बी उपसमुच्चय है ए का। आगे बात सुन, और हमने बता दिया कि फाई और समुच्चय दोनों क्या होंगे? समुच्चय ए के उपसमुच्चय होंगे। आगे बात, अब देखिए, अब मान लेते हैं ए और बी दो उपसमुच्चय हैं। आगे बात में, बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तथा ए और बी बराबर नहीं है,
ए और बी बराबर नहीं। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके, ए बराबर ए ई आई ओ यू आगे पास में, और समुच्चय बी लिया मैंने, इसमें भी अभी कौन 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 से ए ई आई ओ यू आगे पास में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देख सकते हैं बी का प्रत्येक अवयव ए में है, देख लीजिए बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो बी क्या हो जाएगा समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो बी क्या हो जाएगा समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। और यहाँ पे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसका मतलब क्या है ए उपसमुच्चय किसका बी का। आगे बात समझ, ए उपसमुच्चय किसका बी का, लेकिन यहाँ पे देखना हमने क्या कहा बी का प्रत्येक अवयव अगर ए में है और साथ में ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है, तो बी को ए का उचित उचित उपसमुच्चय, कहते हैं। तो बी को ए का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। एक हमने पढ़ा था उपसमुच्चय, एक हमने हम कह रहे हैं उचित उपसमुच्चय। जैसे देखिए एग्जांपल ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और समुच्चय बी हमने लिया 2 3 5। ध्यान देना देखिए बी का प्रत्येक अवयव ए में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, देखिए 2 3 5 2 3 5 बी का प्रत्येक अवयव ए में, और साथ में आप देख लीजिए ए और बी यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बराबर तो तब होते हैं जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों समुच्चय बराबर भी नहीं है, तो इस कंडीशन में ये जो समुच्चय बी है इसको समुच्चय ए का क्या कहेंगे उचित उपसमुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे उचित उपसमुच्चय, यानी बी कंटेन इन ए, यानी कि बी जो है समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और ए अधिसमुच्चय, ए को क्या कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। आगे बात समझ, तो ध्यान रखना अगर बी का प्रत्येक अवयव ए में है और ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो बी को ए का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और ए को क्या कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। ए को क्या कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये परिभाषा यहां पे आप देख लेना, क्लियर है। आगे बात समझे, तो ये समुच्चय उपसमुच्चय को व्यक्त करने का तरीका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ए बी का उपसमुच्चय, बिल्कुल नहीं, यानी ए नॉट कंटेन इन बी, ए नॉट कंटेन इन बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है तो ये कंटेन का चिन्ह और बीच में ये कर दे, ए नॉट कंटेन इन बी, केवल क्या है बी उपसमुच्चय किसका ए का। आगे बात समझे क्लियर है। अब यहां से आप देख सकते हैं जैसे मैं एक उपसमुच्चय बनाता हूं सी 1 2 3, आप देख लीजिए ये जो समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव 1 2 3 वो किस में है समुच्चय ए में, भी देख लीजिए 1 2 3, तो यहां पे जो सी है वो भी क्या है समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय, क्या है उचित उपसमुच्चय। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये होता है उपसमुच्चय। आगे बात समझ में, तो उपसमुच्चय की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई दो समुच्चय है ए और बी, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो हम कहेंगे कि बी ए का क्या है उपसमुच्चय है। आगे बात उचित उपसमुच्चय, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में है और ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि बी जो है समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय और ए जो है समुच्चय क्या कहलाएगा उसका अधिसमुच्चय कहलाएगा, क्लियर है। तो ये हो गई आपके पास में उपसमुच्चय की परिभाषा और एग्जाम्पल। चलिए तो अब देखिए मान लेते हैं कि ए और बी आपके पास में दो समुच्चय, और हम मान लेते हैं कि बी उपसमुच्चय किसका ए का, बी किसका उपसमुच्चय ए का। तो ध्यान देना बी का प्रत्येक अवयव यदि ए में है तो हम कहते हैं कि बी उपसमुच्चय है ए का। अब देखिए यदि कोई अवयव ए है ये समुच्चय बी में है, इस आगे बात सुन, यदि बी में कोई अवयव ए है तो हम इसको क्या कहेंगे ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए जो है वो समुच्चय बी का अवयव है, इसका मतलब क्या होगा ए समुच्चय ए का भी अवयव होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था बी का प्रत्येक अवयव किस में है ए में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी क्या होगा ए का उपसमुच्चय होगा। अब
ध्यान देना, अगर कोई अवयव ए में है तो वो अवयव किस में होगा, सॉरी अगर कोई अवयव बी में है तो वो किस में होगा, ए में भी होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बी समुच्चय है 1 2 3 और समुच्चय ए है आपका 1 2 3 4 5। आगे बात में तो ध्यान देना, यहाँ पे जो बी है वो क्या होगा, ए का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में। आगे बात में तो अगर कोई अवयव बी में है इसका मतलब वो अवयव किस में होगा, ए में भी होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 belongs to B, देखिए ये जो 2 अवयव है किस में है, समुच्चय बी में है कि नहीं है, इसका मतलब 2 अवयव समुच्चय ए में भी होगा। देख लीजिए यहाँ पर भी है, तो ये उपसमुच्चय की परिभाषा से है कि अगर बी ए का उपसमुच्चय है, आगे बात में तो अगर कोई अवयव बी में है तो वो किस में भी होगा, किस में होगा, वो ए में भी होगा। आगे बात ए बिलोंग्स टू बी देयर इंप्लाइज, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा किस में, ए में भी। आगे बात सुन, अब देखिए अब मैं कुछ चीज एक दो चीजें और बता देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। अवयव जो होता है, जैसे कोई समुच्चय ए है, ए ई आई ओ यू, आगे बात सुन, अवयव हमेशा क्या करेगा, बिलोंग करेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए कंटेन इन ए, ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कंटेन हमेशा एक समुच्चय समुच्चय में करता है, कंटेन हमेशा क्या, एक समुच्चय समुच्चय। जैसे मैं आपको समुच्चय बी लिखता हूँ, ए ई आई, आगे बात, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बी कंटेन इन ए, आगे बात में, यानी कि बी भी क्या है, एक समुच्चय है अपने आप में, तो बी भी क्या है, समुच्चय है, और ए भी क्या है, समुच्चय। आगे बात में तो एक के पक्ष में, यानी कि एक के एक की तुलना में इसको देखें तो बी क्या होता है कि ए का उपसमुच्चय, बी क्या है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय, तो बी कंटेन इन ए। ये चीज आप देखना, कंटेन का चिन्ह कहां पे लगता है कि उपसमुच्चय, उपसमुच्चय में ये वाला चिन्ह लगता है कि बी कंटेन। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि बी बिलोंग्स टू ए, आगे बात, बी बिलोंग्स टू ए, ये आप नहीं लिख सकते कि समुच्चय बी, ये जो बी, आप ऐसा कहोगे बिल्कुल समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुचे ए में भी है, तो समुचे बी समुचे ए का क्या कहलाएगा, उपसमुचे कहलाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बी बिलोंग्स टू ए कि बी ए में है, बी ए में है, बी ए में होने का मतलब उसका अवयव होना चाहिए। देखिए ये समुचे बी इस समुचे ए का अवयव नहीं है, क्या है कि समुचे बी के जो अवयव है वो समुचे ए के ए में स्थित है। आगे बात, तो इसको ये चीज आप ध्यान रखना कि बी कंटेनिंग है, आप ये लिख सकते हो जैसे ई बिलोंग्स टू ए, अवयव ई समुच्चय ए में है, बिल्कुल है, ई बिलोंग्स टू बी, अवयव ई समुच्चय बी में, बिल्कुल है। आगे बात, तो अवयव जो होता है वो बिलोंग करता है और जो समुच्चय होता है वो कंटेन। आगे बात समझे, तो बी कंटेन इन ए, आगे बात, इसको आप ऐसे लिखोगे। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई हो, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समुच्चय सी है, वो है ए ओ यू, आगे बात में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुच्चय बी भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है और समुच्चय सी भी क्या है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय। देख लीजिए समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव किस में है, समुच्चय ए में भी है, देखिए ए ओ यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सी कंटेन इन, सी कंटेन इन ए और बी कंटेन इन ए, यानी कि बी और सी दोनों ही क्या है, समुच्चय ए के उपसमुच्चय। अब क्या बी और सी में आप देखिए, क्या B C का उपसमुच्चय है, देखिए बिल्कुल नहीं, एक अवयव तो इसमें है लेकिन E I नहीं है। क्या C B का उपसमुच्चय है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक अवयव तो है लेकिन O और U इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आप कहोगे B not contain in C और C not contain in B, यानी कि B और C आपस में एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा, उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है, यदि और केवल यदि B का प्रत्येक अवयव A में है तो B क्या होगा, A का उपसमुच्चय होगा। आगे बात है, अगर उपसमुच्चय तो इसको हम लिखेंगे C contain in A, B contain in A। आप इसको कभी ऐसे मत लिखना कि C belongs to A, B belongs to A, ये चीज क्या होगी, गलत होगी। आगे बात समझ में क्लियर है, ये चीज क्या होगी, गलत होगी। अगर उपसमुच्चय है तो चिन्ह हमेशा कौन सा लगेगा, कंटेन इन। आगे बात, और एक चीज मैं आपको, ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से, तो इसको आप कभी नहीं लिख सकते कि ए कंटेन इन ए, अवयव हमेशा क्या करेगा, उसमें बिलोंग करेगा, ना कि उसका उपसमुच्चय, अवयव उसका उपसमुच्चय नहीं है। आगे बात सुन,
तो अगर आप ऐसा लिखते हो ए कंटेन इन ए, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही क्या है, ए बिलोंग्स टू ए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो आज हमने उपसमुच्चय पढ़ लिया, उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय तो उसको व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अवयव हमेशा बिलोंग करेगा और जो समुच्चय है वो क्या होगा, कंटेन करेगा। आगे बात सुने तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।